कारनामा करेगा आप, और आप बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी को, मोदी जी गंगा का जल लेके शपथ लिया था क्या? आप हिंदू हो, आप सनातनी हो, गंगा माँ का शपथ लेते हो और काम नहीं करते। मोदी जी शपथ लिया, वो काम तो करके दिखाया। জীবনে এমন নিষ্কর্ম মানুষ দেখিনি রাহুল গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর মতো। কোনো কাজ নেই, কয়েকদিন আগে বাবরের জন্মস্থান পরিদর্শন করে এসেছেন। রাহুল প্রিয়াঙ্কার গ্যারান্টি সোনিয়া গান্ধীও দিতে পারেন না, তারা কিভাবে দেশের গ্যারান্টি দেবে? কংগ্রেসকে বাবরের দূত বলায় চটে লাল রাহুল গান্ধী। তারা এবার হিমন্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করবে, এমন প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কংগ্রেসকে বাবর ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তুলনা করে যাব, বিরোধীরা যেখানে অভিযোগ করে করুক। তিনি আরো বলেন, ছত্তিশগড় সরকারের সাথে রাজ্যবাসী নেই, রয়েছে শুধু নকশালরা, ফলে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে দুজন বিজেপি কর্মীকে খুন করা হয়েছে। ভূপেশ বাঘেল সরকার নকশালদের জামাই আদর করছে, নির্বাচনের পর বাঘেল জির পেছনে মহাদেব লাগানো হবে। এবার দেখবেন মোদীজি যেভাবে কাশ্মীরের জন্য পাকিস্তানের জঙ্গিদের দমন করেছে, সেভাবে সরকার গঠনের পর ছত্তিশগড়ে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে নকশালদের খতম করে দেবে বলে হুঙ্কার ছুড়েন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আজ বিলাসপুরে নির্বাচনী জনসভা শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই বিভিন্ন প্রশ্নের তীক্ষ্ণ জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। हमारे देश में तो करप्शन भी होता है, देश में मामले भी आते हैं, लेकिन पहला बार मैंने सुना हो कि महादेव का नाम में भी लूटा जाते हैं। अगर आपको लूटना ही था तो ऐप का नाम आप महादेव ऐप नाम नहीं देते हुए, आप बाघेल ऐप आप नाम दे देते थे, आप हिमंत ऐप नाम दे देता था, कोई जिंटो सिंटो रतन का ऐप बना देते थे, लेकिन सीधा सीधे आप महादेव को सैलेंस कर लिया महादेव का नाम में ऐप बना के। तो मैं छत्तीसगढ़ वासी महादेव का भक्त है, मैं यही अपील करता हूं कि चुनाव का पहले तो भक्त हिसाब कर ले, चुनाव का बाद तो खुद महादेव हिसाब कर लेगा। सर एक प्रश्न और था, छत्तीसगढ़ की सरकार ने घोषणा की है धान के बोनस की और धान के रेट की, पिछली रमन सरकार में बोनस नहीं दिया गया था, तो अब आपके बोनस की और अभी रेट की गारंटी कैसे देते हैं? देखिए मोदी जी जो गारंटी देता है ये तो विश्व जानते हैं। अगर मोदी जी एक बार बोल लिया, आज आप देश में यही बात बोलिए, जब पहला चंद्रयान सल नहीं पाया तो मोदी जी ने बोला अगली बार सलेगा, अभी तो सल पड़ा। तो मोदी जी का अभी छत्तीसगढ़ का जो घोषणा पत्र है इसका 90% हम असम मध्य प्रदेश में कर चुका हूं, ये कोई नया बात बीजेपी के लिए नहीं है। अगर मोदी जी और खास करके जब केंद्रीय गृह मंत्री उन्मोषण करता है मैनिफेस्टो, नरेंद्र मोदी जी का नाम में मोदी जी का गारंटी बोल के, उसका बात को संदेह का तो कोई संभावना ही नहीं है। जब नरेंद्र बीजेपी का गारंटी अलग बात है, छत्तीसगढ़ बीजेपी का गारंटी अलग बात है, हिमंत बिश्व शर्मा का गारंटी अलग बात है, जब मोदी का गारंटी हो गया और उसमें कोई डाउट नहीं करता है। सर शराब के मुद्दे में क्या बोलना चाहिए? देखिए शराब का मुद्दा में आप लोग खुद जानते हैं कि गंगा का जल हाथ में लेते हुए बोला गया था कि हम शराब में प्रतिबंध लगाऊंगा, हुआ तो नहीं। यहाँ में होम डिलीवरी का बातें भी आने लगा, पूरा कांग्रेस का लोगों को दुकान दे दिया गया, आपको पूरा एक हिसाब से दारू का गंगा लेके आया, माँ गंगा का जगह में दारू का गंगा लेके आया छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल वही बोलते हैं कि मोदी जी पूरे देश में क्यों नहीं बंद करते हैं शराब? नहीं, मोदी जी गंगा में शपथ लिया है क्या? कारनामा करेगा आप, और आप बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी को, मोदी जी गंगा का जल लेके शपथ लिया था क्या? आप हिंदू हो, आप सनातनी हो, गंगा माँ का शपथ लेते हो और काम नहीं करते। मोदी जी शपथ लिया, वो काम तो करके दिखाया जो भी मोदी जी ने बोला, और आप मोदी जी को सैलेंस देता है, जो मोदी जी का नाम से पूरा विश्व सम्मान करता है वो मोदी जी को आप यहाँ बैठ के सैलेंस करता है, महादेव का नाम में लूटते हो और मोदी जी को सैलेंस देते हो। आपका क्या मानना है कि बंद होना चाहिए शराबबंदी? देखिए बात ऐसा है कि आपको बंद होना नहीं होने अलग बात है, माँ गंगा का अपमान मत करो। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने कि आपने भ्रष्टाचार कांग्रेस से सीखा। देखो अगर कांग्रेस में भ्रष्टाचार है तो ठीक है, हमने इसीलिए कांग्रेस छोड़ दिया, मतलब भ्रष्टाचार हमारा पसंद नहीं था इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दिया, सिंपल सा बात है। वो उनको अभी भी भ्रष्टाचार से प्यारा है इसीलिए वो कांग्रेस में।
नक्सलवाद को लेकर आपने सवाल किया, देखिए हत्या भी हुई है। आज बहुत खराब, आज बहुत दुखद दिन है। दो दो लोगों का हत्या होता है, दोनों बीजेपी का होता है। अगर नक्सल एक कांग्रेस को मारते थे, एक बीजेपी को मारते थे, अलग बात है। मैं तो डायरेक्टली ये बात करना चाहता हूँ कि अभी भूपेश बघेल का साथ छत्तीसगढ़िया लोग नहीं है, अभी नक्सल ही है उनका साथ। और वो नक्सल का राह से ही पहला शरण का मतदान जीतना चाहते है। लेकिन आज मैं आपको यहाँ बोल के जाता हूँ कि जैसे अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म किया, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को टाइट किया, ऐसे ही अगले 5 साल में हम नक्सल को खत्म करेगा देश से। हवास की में कुछ बोलना चाहते हैं, अकबर बाबर को लेकर नाराज करते रहेंगे क्या कांग्रेसियों को आप? नहीं देखिए, जब मैंने भूपेश बघेल जी का खिलाफ बोला कमीशन में नहीं गया, अकबर का खिलाफ बोला वो लोग कमीशन में चला गया, तो मैंने आज छत्तीसगढ़ में यही वादा किया हूँ कि औरंगजेब, बाबर और अकबर का खिलाफ मैं जिंदगी का लास्ट मोमेंट तक बोलते ही रहूंगा। आप जितना मन है जाइए, जहाँ कमीशन जाना है, जहाँ भी जाना है। आपने नक्सलवाद की बात की, तो भाजपा के शासनकाल में ही नक्सलवाद के समय कांग्रेसी नेताओं की हत्या हुई थी। देखिए, इसीलिए जब भाजपा का समय में भी कांग्रेस का निधन हुआ था, भूपेश बघेल जी को तो नक्सल का ऊपर रिवेंज लेना चाहिए था ना। जब आपको मौका मिला, आपका लीडर्स का ही यहाँ में पूरा निधन हुआ था, शुक्ला जी से लेकर सबको। भूपेश बघेल जी का धर्म था नक्सल को खत्म करना, वो तो उल्टा सीआरपीएफ का ऊपर हमला बोल रहे हैं। नक्सल का जगह में नक्सल को उन्होंने छोड़ दिया, अभी सीआरपीएफ का बक्सा का हिसाब ले रहे। आप देश के लिए जो जाने देता है, सीआरपीएफ का मतलब क्या है? गरीब लोगों का बेटा ही तो सीआरपीएफ होता है। आज सीआरपीएफ तो अंबानी टाटा का बेटा तो नहीं होता है, सीआरपीएफ सबसे गरीब तत्व का लोगों का बेटा जाके सीआरपीएफ होता है। आप उनका ऑनेस्टी में ही हमला बोल रहे, आप क्यों सीआरपीएफ का खिलाफ बोल रहे? मतलब आपको नक्सलवादी को इनडायरेक्टली आप ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ हूं, जब तुम्हारा ही लीडर को नक्सल ने हत्या किया है। आपको तो बदला लेना चाहिए नक्सल से, आपको जब भगवान ने मौका दिया था। ईडी मामले में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी भी हो सकती है? ये तो देखिए, गिरफ्तारी हो ना हो मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन महादेव जरूर हिसाब लेगा। सुनाव का बाद महादेव उनसे जबरदस्त हिसाब लेगा। राहुल प्रियंका लगातार दौरा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी जी केवल बोल रहे हैं, उनकी गारंटी क्या? राहुल और प्रियंका का खुद का गारंटी उनका मां नहीं ले सकता है, तो कौन इसका बात विश्वास करता है? इतना अनएम्प्लॉयड लड़का लड़की मैं तो जीवन में नहीं देखा। कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, घूमते रहता है पूरा देश में, खुद हवाई जहाज में घूमता है, फिर बोलता है मोदी क्यों हवाई जहाज में घूमता है। मैं तो ऐसे अनाथ फनाथ लोगों को जीवन में नहीं देखा। आज देश का दोनों बोझ बन चुका है, कोई कमाई नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, खाली साल में इधर से उधर घूमते रहता है। और थोड़ा दिन पहले उज्बेकिस्तान से आया, जहां बाबर का जन्म हुआ था। लोग राम जन्मभूमि जा रहे, ये बाबर जन्मभूमि जा रहे। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।